कॉर्पोरेट हुआ तो आपको तनख्वाह बढ़ाते, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होते। कॉर्पोरेट हुआ बोलो तो एम्प्लॉयज का जिंदगी बर्बाद करने का तरीका है। ऐसा सर्विस देने वालों का खिलाफ गया बोले तो अगले 2024 इलेक्शन में ये लोग आपके खिलाफ ठहरे तो आप ऊपर से नीचे आते जमीन पे। खाली इलेक्शन पॉलिटिक्स मत देखो। ये एम्प्लॉयज के खिलाफ गवर्नमेंट कब होते बोले तो वो एम्प्लॉयज का वोट कम रहते बोलते। वो गवर्नमेंट ही बनाए कमेटी, हम लोग नहीं बनाए, वर्कर्स नहीं बनाए, गवर्नमेंट खुद बनाए। उनका जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रिपोर्ट वही इंप्लीमेंट नहीं करे बोले तो दिस इज एंटी वर्कर्स। जियो करे वो करे, पहला फ्री दिया बाद में 500 करे 600 करे, लूट मार करते। वो लोग मारवाड़ी लोग वो क्या आए, पैसे कमाने के लिए आए, सर्विस देने के लिए नहीं आई। एक वीक में आप जितना लेटर डिलीवरी करते ना वो एक ही दिन में करो बोलते, और टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ बोले तो आपका सैलरी कट होते। देखो आप लोग 18-20 साल का उम्र में ज्वाइन होने के बाद 60 इयर्स तक तुम्हारा पर्सनल लाइफ भूल के इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं। ऐसा लोगों को 60 इयर्स होने के बाद सोशल सिक्योरिटी रहना एक गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, फर्ज है। जो केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मूवमेंट चल रहा है, सब अच्छा अच्छा गवर्नमेंट ओन्ड जितना भी इंस्टीट्यूशंस है वो सबको जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे इसका खिलाफ हम लोग आए। क्योंकि द ब्यूटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का शान क्या है बोले तो ऐसा इंस्टीट्यूशंस है। बैंकिंग सेक्टर होने दो, रेलवे होने दो, पोस्टल ऑफिसेस दो, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं देखना, बैलेंस शीट नहीं बनते इधर। इधर लोगों का ज़िंदगी बनाना, लोगों का सर्विस देने वाला संस्था है। यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना नहीं तो कॉर्पोरेट कल्चर करा रहे बोले तो इसका खिलाफ हम है। क्योंकि यहाँ का लोगों का ज़िंदगी बनाने वाला ये इंस्टीट्यूशन है, और आम लोगों को ये पोस्ट ऑफिस जो है खाली टेलीफोन वो ये नहीं है, एक लेटर भी, एक ईमेल, एक इससे पहले टेलीग्राम था। ऐसा हर आदमी को एवरेज और बिलो पावर्टी लोगों को भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना, उनका पहचान वालों का, उनका रिश्तेदार को उन्हें कांटेक्ट करने का एक ये है, सर्विस ओरिएंटेड है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होते। इससे पहले जब प्राइवेट कोरियर वालों को लाया उस वक्त से गवर्नमेंट ये सोचना था, आप कोरियर सर्विस का ऊपर प्राइवेट कोरियर का सर्विस का ऊपर मैं खुद डिपेंड नहीं है। क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट लेटर भेजे तो 10 दिन का बाद बेंगलुरु को पहुंचते, लेकिन इंडियन पोस्टल ऑर्डर का स्पीड पोस्ट जो है आज बेंगलुरु को लेटर भेजे बोले तो कल शाम तक उनका हाथ में रहते लेटर। इतना कमिटेड डेडिकेटेड 25-30 रुपीज़ में ऐसा सर्विस देते। ऐसा इंस्टीट्यूशंस को ख़राब नहीं करना। ये देखो कॉरपोरेशन, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, उन्होंने कहीं बोलते आप लोगों को समझाते, कॉरपोरेट हुआ तो आपको तनख्वाह बढ़ाते, सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होते। कॉरपोरेट हुआ बोलो तो एम्प्लॉयज का ज़िंदगी बर्बाद करने का तरीका है कॉरपोरेट कल्चर। क्योंकि मेरा पास यूनियन है, KSRTC का और जस्कॉम का यूनियन है, वहाँ पे लोगों को टारगेट देते, तुमको टारगेट देते, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारा सैलरी में कट होते। हमारा जस्कॉम में जो मीटर रीडर्स है उनको टारगेट देता था 20 लाख रुपए कलेक्शन लाना, 20 लाख नहीं लिया बोले तो उनका तनख्वाह से कट होके कई लोग खाली पेनल्टी भरे, तनख्वाह देना का छोड़ो, 2,000-3,000 हाथ से पैसे भर के काम करे वहाँ पे मीटर रीडर्स। दिस प्रैक्टिकली आई हैव सीन इट एट जस्कॉम। ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर लाने के बाद आप लोगों को क्या बोलते, एक वीक में आप जितना लेटर डिलीवरी करते ना वो एक ही दिन में करो बोलते, और टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ बोले तो आपका सैलरी कट होते। दिस शुड नॉट बी ए प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ये सर्विस देने का है इंस्टीट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू का एक ड्रीम था ऐसा हिंदुस्तान में हर जगह पे, दिस इज़ अ फेडरल सिस्टम, हमारा स्टेट भी आई यूनियन गवर्नमेंट पे आई, दोनों का पास एक ही सर्विस देने वाला कोई इंस्टीट्यूशन रहे तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट एक आई, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट एक आई, रेलवे आई, बैंकिंग आई। दिस आर द ब्यूटी ऑफ दिस फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका हम खिलाफ है, और जो भी हमारा जो डिमांड है ये कॉर्पोरेट ये नहीं करना, कॉर्पोराइजेशन नहीं करना, और इसको प्राइवेटाइजेशन भी नहीं करना।
क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करते आप देखो आप नेटवर्क कई लोग करे नेटवर्क जियो करे वो करे पहला फ्री दिया बाद में 500 करे 600 करे लूटमार करते वो लोग मारवाड़ी लोग वो क्या आए पैसे कमाने के लिए आए सर्विस देने के लिए नहीं आई। अब इनका दोस्त रहे तो रिश्तेदार रहे तो हेल्प करने का दूसरा तरीका से हेल्प करो। यूनियन गवर्नमेंट को मैं बोल रहा हूँ ये प्लीज़ डोंट स्पॉइल द पोस्टल डिपार्टमेंट इन इंडिया, इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। और ये हमारे एम्प्लॉयज का बारे में ये NPS का खिलाफ मैं हमेशा है, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशंस में NPS लागू नहीं करना है एम्प्लॉयज को, परमानेंट एम्प्लॉयज को NPS शुड नॉट बी एप्लीकेबल बोल के कई सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट का जजमेंट दिया। अब ये मोदी गवर्नमेंट अब यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलते कई यू नो चेंजेस लाया क्यों पूछे तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बोल के बोले कई जगह पे, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। कई चीज़ इंप्लीमेंट करे वो लोगों के खिलाफ रहे तो नहीं जी अपेक्स कोर्ट बोले सुप्रीम कोर्ट बोले बोल के सुप्रीम कोर्ट बोले ये NPS स्कीम को अबॉलिश करो। ओल्ड जो पेंशन स्कीम है करीबन आप लोगों को 50% लास्ट सैलरी जितना लिया उतना आते वो देना बोल के है ये, क्योंकि मैं पहला ही बोले ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है ये सर्विस देने का है लोगों का। देखो आप लोग 18-20 साल का उम्र में ज्वाइन होने के बाद 60 इयर्स तक तुम्हारा पर्सनल लाइफ भूल के इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, ऐसा लोगों को 60 इयर्स होने के बाद सोशल सिक्योरिटी रहना ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है फर्ज है ये हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वी शुड प्रोटेक्ट द सोशल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द वर्किंग क्लास बोल के उसका वायलेशन नहीं होना। और ख़ास करके ये जो NPS है इसका मैं हमेशा खिलाफ है। तो आप मैं एक ही बात बोल रहा हूँ यूनियन गवर्नमेंट को, इफ़ यू हैव गॉट एनी रेस्पेक्ट फॉर द जुडिशियल सिस्टम इन दिस कंट्री यू शुड इमीडिएटली अबॉलिश दिस NPS के सिस्टम। आपका जितना भी 20 डिमांड्स है सब रीजनेबल है, उन्होंने खुद कमिटी बनाते आप लोग ऐसा मुश्कर करने के बाद एक कमिटी बनाते बोल के आप लोगों को दे विल ट्राई टू पुश अप, बाद में वो कमिटी का रिपोर्ट आपका तरफ से आया ना इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा कई कमिटी रिपोर्ट है अभी पड़े आपका डिमांड में, एक रिपोर्ट है आपका पास भी, वो गवर्नमेंट ही बनाया कमिटी, हम लोग नहीं बनाए, वर्कर्स नहीं बनाए, गवर्नमेंट खुद बनाए, उनका जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रिपोर्ट वही इम्प्लीमेंट नहीं करे बोले तो दिस इज एंटी वर्कर्स, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। आप गुलबर्गा में जितना पोस्टल एम्प्लॉयज है ये सब लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से काम करने वाला लोग है, खास करके हमारा कर्नाटक हिंदुस्तान में गुलबर्गा का एक नाम है, पोस्टल सर्विस पोस्टल डिपार्टमेंट इन गुलबर्गा इज कमिटेड फॉर देयर सर्विसेज। ऐसा लोगों को रोड पे आके बैठ के स्ट्राइक करने का मौका नहीं देना था, ये दिया ये अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज रोड पे आके ऐसा पोस्टल डिपार्टमेंट का नहीं बैठना, वाट एवर इट मे बी इट हैज हैपेंड। आज शाम तक गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रही यू काइंडली कंसिडर ऑल द 20 डिमांड्स ऑफ दिस वर्किंग क्लास एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस। खाली इलेक्शन पॉलिटिक्स मत देखो, ये एम्प्लॉयज के खिलाफ गवर्नमेंट कब होते बोले तो वो एम्प्लॉयज का वोट कम रहते बोलते, एम्प्लॉयज एक पोस्टमैन मैं बोल रहे एक पोस्टमैन मैनेज करे तो 500 वोट डालने लगाते आप। पोस्टमैन उनका एरिया का हर आदमी का दिल जिताने वाला आदमी रहते उनका, कहीं मैं देखे केड़े गांव में पोस्टमैन ऐसा रहते, यहाँ पे भी हमारा डोर लॉक रहे तो फ़ोन लगाते हमको साहब कहाँ है आपका एक अर्जेंट लेटर है बोल के। ऐसा सर्विस देने वालों का खिलाफ गया बोले तो अगले 2024 इलेक्शन में ये लोग आपके खिलाफ ठहरे तो आप ऊपर से नीचे आते ज़मीन पे, उसका मौका मत दो। आप ऐसा मत सोचो पोस्ट ऑफिस का वोट कम है 2 लाख वोट है 4 लाख नहीं, ये 4 लाख होगा 10 लाख होगा ये 100 करोड़ बनते ये लोगों मोबिलाइज करे तो। दे कैन मोबिलाइज एज मैनी वोट्स एज पॉसिबल, डेमोक्रेसी में खाली वोट पॉलिटिक्स भी नहीं देखना, सोशल सिक्योरिटी उनका फर्ज जिम्मेदारी है। इसलिए आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन गवर्नमेंट टू काइंडली फुलफिल ऑल द रीजनेबल एंड जिनाइन डिमांड्स ऑफ दिस पोस्टल एम्प्लॉयज। थैंक यू। ई ಒಂದು ದಿನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ NPS ಮತ್ತು GDS ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಟು NFPE ಅವರು ನಾವು ಒಂದಿನ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ March 28, 29 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ದಿನ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ
ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಾವು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು 20 ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇವೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ 2004 ರಿಂದ ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಂತಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಓಪಿಎಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಾಕ್ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿನ್ಸ್ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿದವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಪನ ವೇತನ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ವಿಧವೆ ವೇತನ ಇವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ಆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇವತ್ತು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಇವರು ಏನು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಅವರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮೇನ್ ನಾವು ಒಂದಿನ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಈ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೇವಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ BSNL ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ BSNL ಖಾಸಗಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಮನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಮುಂದಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ವೈಷ್ಣವ್ಜಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದುವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ